नमस्कार दोस्तों, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 17 अप्रैल 2019 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हमारे एमपी परीक्षा ऐप पर डेली डोज आते हैं जिनका सब्जेक्ट और टाइमिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो इनको लगाएं और अपनी सफलता की कुंजी पाएं। तो दोस्तों, देखते हैं अपना पहला प्रश्न। किसे केनरा बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है आर ए शंकर नारायण। केंद्र सरकार ने आर ए शंकर नारायण को केनरा बैंक का एमडी, प्रबंधक निदेशक और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। शंकर नारायण 15 अप्रैल से बैंक में अपना पद संभाल चुके हैं। वह 31 जनवरी 2020 तक का उनका कार्यकाल है या फिर सरकार के अगले आदेश तक। वित्तीय क्षेत्र में वो 35 वर्षों से अधिक का अनुभव रख रहे हैं और वाले आर ए शंकर नायक फाइनेंस में एमबीए भी है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स और किस अखबार को पुलित्जर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है वॉल स्ट्रीट जर्नल। न्यूयॉर्क टाइम्स को ट्रंप परिवार के वित्तीय संबंधी मामलों में खुलासा करने के लिए यह पुरस्कार मिला है। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल को ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दो महिलाओं को गुप्त रूप से पैसे का भुगतान करने के मामले का खुलासा करने के लिए पुरस्कार मिला है। पुलित्जर पुरस्कार अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, पत्रकारिता, साहित्य आदि के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अगर हम और बात करें कि पुलित्जर प्राइज 2019 के बारे में, तो इसके अलावा साउथ फ्लोरिडा, सन सेंटिनल, पीटर्सबर्ग पोस्ट गजट, एसोसिएट प्रेस, राइटर्स को भी अलग अलग अखबारों के लिए पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। भारत द्वारा विदेश मंत्रालय में स्थापित किया गया नया विभाग है इंडो पैसिफिक डिवीजन। विदेश मंत्रालय विदेश कार्यालय में एक इंडो पैसिफिक डिवीजन की स्थापना की है। इंडो पैसिफिक डिवीजन को 2018 में संग्रीला डायलॉग में नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त इंडो पैसिफिक नीति के सुसंगत वास्तुकला देने का इरादा है। जैसा कि हमारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत ये नया डिवीजन बनाया गया है विदेश मंत्रालय में, जिससे हम जो हमारे द्विपक्षीय बायलैटरल टाइज हैं, जो कि हमारे इंडो पैसिफिक कंट्रीज बोलते हैं, वियतनाम, कंबोडिया जितनी भी उधर पे आती हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। किसके अनुसार उल्का पिंडों की बारिश के कारण चंद्रमा से बाष्प के रूप में पानी निकलता है? तो इसका सही आंसर है नासा। नासा के अनुसार चंद्रमा पर उल्का पिंडों की बारिश के कारण उसकी सतह के नीचे मौजूद पानी बाष्प बनकर निकलता है। उल्का पिंडों के टकराने से पैदा हुए कंपन के कारण चंद्रमा की ऊपरी परत टूटने से उसके नीचे मौजूद पानी बाष्प की तरह निकलता है। जैसा कि हम जानते हैं, नासा के LADEE स्पेसक्राफ्ट ने इस परिघटना का पता लगाया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर है UAE। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 30 अप्रैल से 1 मई 2019 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई शहर में के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय कार्यक्रम में विश्व के नेताओं को शासन, व्यवसाय और समाज में अंतर्निहित स्तंभों को परिभाषित करने के लिए एक साथ लाया जाएगा और दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया है। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। किस राज्य के लोगों ने हाल ही में विशु को अपने नए साल के रूप में मनाया है? तो इसका सही आंसर है केरला। केरल में लोग उल्लास और उत्साह के साथ मलयालम नव वर्ष विशु मनाते हैं। विशु शब्द का अर्थ संस्कृत में बराबर होता है और ये सूर्य को मेष राशि में जब गोचर करता है तो उसको हम विशु बोलते हैं। इस दिन भक्त मंदिरों में जाते हैं और इस दिन भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं और जहां दिन में शुरुआती घंटों में विशुकनी कचछ का दर्शन होता है। तो दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। चौथे वे APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है AK सिंह। डॉक्टर AK सिंह को चंडीगढ़ विश्वविद्यालय मोहाली में 4th APJ अब्दुल कलाम इनोवेशन कॉन्क्लेव के दौरान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है।
उन्हें जीवन विज्ञान, एरोस्पेस और एरोनॉटिक्स के क्षेत्र में उन्हें समृद्ध योगदान के लिए पहचाना जाता है। वैज्ञानिक के 18 से अधिक पेटेंट हैं, उन्हें रजिस्टर्ड किए हुए हैं। उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर 57 से अधिक शोध प्रकाशनों में योगदान दिया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फोर्ब्स की भारतीय बैंकों की सूची 2019 में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। फोर्ब्स ने हाल ही में ग्राहक सेवा और तकनीकी प्रगति के संदर्भ में विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक 2019 की पहली सूची बनाई है। यह सूची में वह निजी ऋणदाता भारतीय बैंकों की फोर्ब्स सूची में HDFC बैंक शीर्ष पर था। उसके बाद ICICI बैंक, DBS बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और IDFC बैंक थे। अगर भारत के सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की बात करें, अगर SBI के बारे में, तो वह सूची में 10 के अंदर नहीं थी, वह 11वें स्थान पर रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के गुडविल एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? तो इसका सही आंसर है मिथाली राज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज को स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड क्रिकेट कप 2019 के लिए भारतीय टीम की सद्भावना दूत के रूप में नामित किया गया है। यह सड़क से जुड़े उन बच्चों के लिए पहला क्रिकेट विश्व कप है जो फाइनल 7 मई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अगर हम इस टूर्नामेंट के बारे में बात करें, तो इस टूर्नामेंट का आयोजन यूके स्थित संस्था स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड द्वारा किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। पंजाब नेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यदुवंशी। राजेंद्र कुमार यदुवंशी 1985 में PNB में बतौर मैनेजमेंट ट्रेनी शामिल हुए थे। यदुवंशी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI नई दिल्ली से विज्ञान के डॉक्टरेट की उपाधि है। वर्तमान में PNB में 3 कार्यकारी निदेशक हैं, जिसमें यदुवंशी, LBA प्रभाकर और AK आजाद हैं। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल MB परीक्षा को सब्सक्राइब करिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाइए, और हमारे ऐप परीक्षा को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उसको जाएं। थैंक यू दोस्तों। ऐसे ही और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए MP परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।